दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि जनता के आशीर्वाद से जिस भी राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी वहां बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली की तरह पंजाब में भी 27 नवंबर से इस योजना की शुरुआत हो रही है। दिल्ली के बुजुर्गों को लेकर 83वीं ट्रेन द्वारकाधीश रवाना होने के अवसर पर त्यागराज स्टेडियम में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में केजरीवाल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी पार्टियों के पास अरबों रुपए हैं तो हमारे पास लोगों का आशीर्वाद है। इसी आशीर्वाद से हम उन पार्टियों को हराते हैं और जनता का यही आशीर्वाद और सहयोग उन सभी पार्टियों से हमें बड़ी ताकत देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के बुजुर्गों को लेकर ट्रेन लगभग हर सप्ताह तीर्थ यात्रा पर जा रही है। आज ट्रेन 780 तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही है। इससे पहले अभी तक 82 ट्रेन यात्रियों को लेकर तीर्थ यात्रा पर जा चुकी है। लगभग 80,000 लोग अभी तक तीर्थ यात्रा करके आ चुके हैं। मेरी कोशिश रहती है कि जब भी कोई ट्रेन हमारे बुजुर्गों को लेकर तीर्थ यात्रा पर जाए तो उनको विदा करने के लिए उनसे मिलने जरूर आऊं। इसलिए आज भी मैं आप लोगों से मिलने के लिए चला आया। अक्सर तीर्थ यात्रा में महिलाएं ज़्यादा होती हैं। इसका एक कारण ये भी है कि हमारे समाज में आदमी काम के सिलसिले में घूमने आते हैं लेकिन महिलाओं को मौका नहीं मिलता। उनकी पूरी जिंदगी परिवार के लालन पालन में गुजर जाती है। योजनाओं से महिलाओं को तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका मिल जाता है और जब मोहल्ले की कई सारी महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं तो यात्रा में उनका भी मन लग जाता है। आप सभी की यात्रा भजन कीर्तन करते हुए बीत जाए, आपको ये यात्रा पूरी जिंदगी भर याद रहेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि थोड़ी ठंड है इसलिए सभी लोग अपना ख्याल भी रखें। ट्रेन में डॉक्टरों का भी इंतजाम है। पूरी कोशिश है कि रास्ते में किसी भी तरह की किसी को असुविधा ना हो। इसके बाद भी कुछ कमी रह जाए तो मैं पहले से ही आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ।